Gratitude greetings. All of us may be intelligent, getting some marks, getting some good salary. But of what use is it if I'm not having EQ, if I'm not emotionally intelligent, if I'm not emotionally fit? I need to be having those emotional muscles. And here is a great leader, emotional intelligence educator, international emotional intelligence assessor, life coach, and so much more. She is Lata Singh, founder of Mera Vilya Emotional Quotient Academy, founder of such a great company. I'm so lucky to sit in front of you. Welcome, Lata ma'am. Thank you so much. You know, pleasure is all mine. Thanks a lot. So how did it all start? Because when you were in school, grade 6 or grade 10, you don't say, hey, I'm going to become an emotional intelligence coach. And in our days, engineer, doctor, as Three Idiots says, ladka to engineer, ladki to doctor. So aap kahan se aise EQ mein pahunch gaye? तो बचपन में तो यू नो आई वुड से कि ऐसा कोई थॉट ही नहीं था एंड आई वाज लाइक अ बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड. यू नो अभी अगर मैं याद भी करूँ तो बहुत ही डरी हुई लड़की और अपनी बातें कहने में भी डर लगता था. दो यस आई ऑलवेज यू नो हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन डांसिंग म्यूजिक, वो मैं करती थी. लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं क्या बनूंगी, कोई पता ही नहीं था. नो गाइडेंस वॉज देयर. तो ये काफ़ी समय तक चला. बट यस, एक छोटा सा जो सब्जेक्ट मुझे पसंद था वो था कंप्यूटर्स. वो मुझे काफी यू नो आप कह सकते हैं आकर्षित करता था कि हाँ, कंप्यूटर्स मुझे करना है, इस एरिया में आई वांट टू डू समथिंग. तो वो मन में था, क्लास 5 से था, पर इतने साधन नहीं थे उस समय. आया ही आया था कंप्यूटर, बट लकीली हमारे स्कूल में लैब था तो वी यूज टू सी कंप्यूटर्स, तो हमें वो मिला मौका सीखने का. और उसके बाद फिर जो नॉर्मल पढ़ाई होती है ना, कभी नहीं सोचा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, था ही नहीं ऐसा कुछ दिमाग में. ना कभी पेरेंट्स ने फोर्स किया कि तुम्हें क्या बनना है. इट वाज लाइक स्मूथ, यू नो, चाइल्डहुड वाज गोइंग ऑन सेलिंग थ्रू. एंड देन यू नो ग्रेजुएशन भी कर लिया, बीएससी बोला, बीएससी कर लिया. उसके बाद वो स्टक होता है ना कि मुझे तो कंप्यूटर्स करना था. तो देन उस समय अराउंड 2099 के अराउंड काफी बूम था कंप्यूटर्स का. तो हाँ देर वो समय था जब मुझे भी सीखना था. सो आई डिड माई डिप्लोमा, आई डिड यू नो CEC होता था एक कोर्स फ्रॉम इग्नू. एंड देन देर वॉज अ गाइड, यू नो अ मेंटर आई यू नो गॉट टू मीट, जिन्होंने मुझे बोला कि आप MCA अगर करना चाहते हो तो आप इग्नू से कर लो, साथ साथ आप अपना पढ़ाई या नौकरी भी कर लो, क्योंकि पापा की पोस्टिंग छोटी जगह में थी. तो वी वर नॉट यू नो सपोज टू गो टू नोएडा, दिल्ली, वो अलाउड ही नहीं था. और डर बहुत लगता था उन्हें अकेले लड़की को भेजने में. तो वो वहीं से फिर मैंने वो MCA भी कर लिया साथ में. That's how the journey, you know, got continued, and I came to IT industry in 2002. और वहाँ से वो journey start हो गई. तो यहाँ तक भी ना EQ coaching, life coaching कुछ नहीं था. तो it था। was a smooth ride for me. यानी चल रहा था जो आ रहा था सामने. हाँ, कुछ करना है, वो जो एक अंदर से आता है ना आपके, तभी आप कुछ करते हो. या अगर दूसरा आपको कह रहा है कि आपको ये बनना है, वो बनना है, आप नहीं बनोगे. और हो सकता है बन के भी आप enjoy ना करो. मेरे साथ ही उल्टा था. मुझे अंदर से कुछ था, वो कीड़ा की मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन यू नो आई गॉट इन टू IT इंडस्ट्री. और वो रास्ते खुलते गए, आई रियली गॉट टू वर्क विद रियल रियल गुड कंपनीज. और ऐसा तब हुआ जब 2010-12 में आई मेट माई मैनेजर हु वॉज अ लाइफ कोच. शी वॉज डूइंग हर लाइफ कोचिंग. और तब उन्होंने यू नो आई यूज टू मेंटर माई यू नो फेलो कलीग्स एंड पीपल हु यूज टू कम, लता ये प्रॉब्लम है कैसे करें. तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ना कि आप बता देते थे कि ये करके देखो, आपने ये ट्राई किया क्या, तो वो था कहीं ना कहीं. तो शी नोटिस एंड सेड कि लता यू हैव दोज क्वालिटीज ऑफ यू नो लाइफ कोच. पहली बार वो टर्म सुना था मैंने उनके, ये क्या होता है. तो बोले ये यू नो दीज आर द पीपल हु कैन हेल्प अदर पीपल, मोटिवेट, गाइड एंड यू नो मूव अहेड इन लाइफ. फिर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया. एंड देन एट बाई दैट टाइम आई वॉज इन्वाइटेड इन लीडरशिप ट्रेनिंग एंड अदर थिंग्स यू नो इन द कंपनी. तो वहाँ से फिर मुझे मौका मिला सीखने का. तब मैंने अपना लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन किया 2012 में. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड स्टार्ट एनरोलिंग एंड डूइंग. सो दैट वॉज Your द wealth फर्स्ट of टाइम आई experience.
विद वो वहां पे स्टक हुआ कि हाँ यहाँ पे समझ में आया कि ये कुछ है, यू नो, डिफरेंट है. बट आई स्टार्टेड डूइंग इट, लर्निंग करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया. तो वो करते करते आई स्टार्टेड टू स्पीक विद पीपल. जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी अलॉन्ग विद माई जॉब, तो इवनिंग्स में सैटरडे संडे आई यूज टू गेट, यू नो, अलॉन्ग विद पीपल, आस्क देम टू, कैन यू जस्ट, यू नो, गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस लाइफ कोचिंग विद यू एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. सो दैट्स हाउ आई यूज टू टॉक टू पीपल एंड प्रैक्टिस माई न्यू स्किल, एंड दे ऑल्सो यूज टू एंजॉय, एंड आई हैव इंस्पायर्ड, यू नो, लॉट ऑफ पीपल इन दिस जर्नी. कई लोग लाइफ कोच बन गए उसके बाद, क्योंकि क्योंकि टॉक टू मी. एंड आपने देन अर्ली 2012 में कर लिया, लोग तो अभी कोविड के एक्चुअली बाद जोश जागा है ये, चलो करते हैं। तो ये जर्नी वॉज गुड, यू नो. 2012-13 में ये करने के बाद समबडी सेड एनएलपी भी देख लो, एनएलपी अच्छा होता है. पता कुछ नहीं था, बट कहा चलो मैं भी सीख लेती हूँ. तो साइड बाय साइड फिर मैंने एनएलपी भी सीख लिया, फिर आई बिकेम एनएलपी प्रैक्टिशनर. लेकिन उसमें, यू नो, इट वॉज मोर लाइक अ थेरेपी एंड ऑल. तो आई यूज सम टेक्निक्स बट नॉट ऑल. तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बट हाँ, दैट हेल्प्स मी इन माई लाइफ कोचिंग. फिर 2015 के अराउंड, यू नो, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने सुना कि दिस इज समथिंग, यू नो, एंड आई थॉट इट्स अ लॉजिकल थिंग, यानी ये कुछ ऐसा है जो मैथ से रिलेटेड है. तो मैं थोड़ा सा डरी कि यार ये मुझसे नहीं होगा, बट देन इट वॉज नथिंग टू डू विद, यू नो, लॉजिक्स, एंड इट इज प्योर इमोशन. कि हाउ डू यू मैनेज योर इमोशन. सो पीपल कम टू मी सेइंग कि, यू नो, अगर मैं ये सीख जाऊंगा तो कैन आई मैनेज इमोशंस ऑफ माय मैनेजर. मैं कहती नहीं, आप उनका इमोशन मैनेज नहीं कर पाओगे, अपना करना है, यू नो, आप अपना मैनेज कर सकते हो. कि लाइक अगर आपको किसी की बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. तो आपका ह्यूमर ये भी अच्छा है वैसे, इमोशनल, ह्यूमर भी तो अच्छा है इक्यू ने, आपका। ईक्यू ने मुझे ना टर्न किया मेरी तरफ. तो लाइफ कोचिंग में आई हैव सीन कोचेज, यू नो, हु वर्क विद अदर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर, यू नो, डायरेक्टिंग पीपल, ऐसा करो वैसा करो, ये सही नहीं है. उनकी अपनी लाइफ में बहुत तूफान मचा होता है, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छे सजेशंस दे रहे होते हैं. आई हैव मेट दोस पीपल, राइट? बट ईक्यू इज अ स्किल दैट विल आस्क यू टू, यू नो, सी योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आपने अपने अंदर नहीं काम किया है, आप दूसरे को क्या सिखाओगे? यू नीड टू, यू नो, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड देन यू कैन बी अ रियल लाइफ कोच, रियल पर्सन, रियल मेंटर. तो ये यहाँ से मेरी लाइफ जर्नी 2015 से वाकई में चेंज हुई, एंड दैट हैज टॉट मी हाउ यू कैन बी मोर ह्यूमन. एंड यानी अपना अपना ठीक करो पहले, यू नो, एवरीथिंग विल बी गुड अराउंड. वो कहते हैं ना, आप खाली वेसल से किसी को कुछ नहीं दे सकते, पहले अपना तो भरो. यू नो, यू नीड टू फिल विद लव, फिल विद जॉय, फिल विद हैप्पीनेस, देन यू कैन शेयर इट विद अदर्स. आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो, आप चले हो दूसरों को बताने की कैसे खुश रहा जाए. बिल्कुल मिथ है. इट विल हाँ रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर बीइंग, यू नो. अगर आप पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, आपके आसपास के लोग भी फील करेंगे कि हाँ कुछ अच्छा है. लेकिन अगर नहीं हो ना, तो इट्स कॉन्टेजियस, इमोशंस आर कॉन्टेजियस. तो मैं कहूंगी 2015 से मेरी जो लाइफ चेंज हुई एक्चुअल में विद इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट स्टार्टेड माई जर्नी एज अ रियल, यू नो, कोच एंड गाइड एंड ट्रेनर. एट द अमेजिंग सेम टाइम आई अमेजिंग। ऑल्सो थॉट, यू नो, ये बड़ों के साथ काम करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी. तो उनको बदलना ही नहीं है, तो ऑलरेडी, यू नो, अब पक्का घड़ा है, वो टूटेगा, अब मोल्ड तो नहीं होगा. तो आई थॉट, यू नो, आई नीड टू वर्क विद चिल्ड्रन, जहाँ पे, यू नो, दे आर रेडी टू लर्न, दे कैन मैनेज इमोशंस वेल. आप बात करो, तुरंत समझ जाते हैं कि क्या सीखना है, क्या सही है, क्या गलत है. बड़ों को आप कहते रहो, उनका अपना बिलीफ सिस्टम है, ये नहीं होता, ये काम नहीं करता, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है, उसने ऐसा कहा. तो ये चीजें बच्चों में नहीं. तो, यू नो, आई गॉट डाइवर्टेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन. मैंने वहाँ काफी बच्चों के साथ काम किया, स्कूल्स में हमने बहुत काम किया, एनजीओ में हम बहुत काम करते हैं. और फिर मेरे साथ जो वॉलेंटियर्स थे ना, दे सेड कि लता, ये जो आप करते हो, ये हमें भी सिखाओ. तो आई स्टार्टेड गिविंग देम कि मैंने यहाँ से लाइफ कोचिंग किया, यहाँ से एनएलपी किया, यहाँ से ईक्यू किया, आप भी कर लो. तो दे सेड नहीं, यहाँ से नहीं करना है, हमें आपसे सीखना है, आपने कैसे किया वो हमें सिखाओ. तो देन आई सेड, यू नो, ऐसे नहीं होगा, आई हैव टू, यू नो, फॉर्म अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं इसे सही ढंग से करना चाहती हूँ. तो अगेन आई गेव माई सेल्फ 2-3 ईयर्स टू डेवलप दैट कोर्स जो हम अब प्रोवाइड करते हैं, टू बिकम अ किड्स एंड अ पेरेंट्स लाइफ कोच, इमोशनल इंटेलिजेंस कोच. और काफी लोगों को हमने ट्रेन किया है, कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम. दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क वेर एवर दे डू. सो इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वी फॉर्मड इट इन 2018, और तब से हमने लोगों को गाइड करना, ट्रेन करना शुरू किया. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज, यू नो, यू डोंट नीड एनी बैकग्राउंड, एक बस पैशन होना चाहिए, और आप में वो होनी चाहिए क्वालिटी, यू नो, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग राइट. तो
यू कैन डू दिस कोर्स, यू कैन अप्लाई दीज लर्निंग्स इन योर लाइफ, इन योर चिल्ड्रंस लाइफ, एवरीबडी अराउंड यू. तो कई लोगों ने जिन्होंने ये कोर्स भी किया ना, दे से दैट यस इट हैज चेंज देयर लाइफ एंड आई सी माई लाइफ हैज चेंज अलॉट बिल्कुल वर्किंग सही विद बात यू. है. प्लीज दिस वॉज शेयर. काइंड ऑफ यू नो नो, वेन इट्स यू सो आस्क यू माई ब्यूटिफुल. लाइफ कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से हुई. अमेजिंग, यू जस्ट ओपन्ड अप कि आओ मॉडल कर लो मेरी जिंदगी, जैसे मेरी जिंदगी बदली है ऐसे आपकी भी बदल जाएगी. जस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स, यू नीड नॉट रीइन्वेंट द व्हील. सो दिस वाज द बेस्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद नवज्योति इंडिया फाउंडेशन किड्स? सो अमेजिंग. यू नो आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन फ्रॉम 2015. यू नो कोई ना कोई स्कूल में हम जाते हैं, काम करते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन आई इवन टेल इट टू एवरीवन दैट यू नो दोस किड्स आर अमेजिंग. यानी उनके साथ जब हम काम करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है. यानी दे लर्न एक्चुअली, दे हाँ आर रेडी टू लर्न, ग्रास्प व्हाटएवर यू आर टेलिंग देम, और सीखते हैं, बताते हैं, एंड वी रियली सी दैट दे हैव लर्न इट. हमें रिजल्ट्स भी दिखते हैं. वही अगर हमने जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में भी काम किया, दोज चिल्ड्रन हैव एक्चुअली एवरीथिंग. उनके घड़े ना पहले से पूरे भरे हुए हैं, तो उन्हें कुछ भी नया देना सुना है, देखा है, दे डोंट नीड इट. बट ये बच्चे आर अमेजिंग. लाइक यू नो मेरा अपना एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा. आई ऑल्सो फील द सेम, क्योंकि या 7 साल मैंने वॉज देयर, यही फीलिंग थी कि ये बच्चे वैल्यू करते हैं. और जो स्प्रिंगडेल्स, यू नो, डीपीएस वगैरह के बच्चे आते थे, वो बोलते थे कि दे डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दे वैल्यू व्हाट दे हैव, दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. यस, सो विच आर योर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन जनरल इन और इन द जनरल? इन जनरल, कंटेक्स्ट. इन जनरल जिंदगी. सो सीरियसली हैप्पीएस्ट मोमेंट, यू बनाना. नो, सो आई हैव अ डॉटर, यू नो 12 इयर्स, शी इज नाउ 12 इयर्स, एंड आई रियली लव एंजॉयिंग टाइम विद हर, एंड यू नो हर नॉटीनेस, हर सेइंग्स, तो मुझे वो बड़े जॉयफुल मोमेंट लगते हैं. आई नो शी विल ग्रो अप समडे, एंड स्टिल शी इज ग्रोइंग. आई गेट अमेज्ड बाय यू नो हाउ शी इज, एंड यस, दोज आर आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स व्हेन आई प्ले विद हर, टॉक टू हर, लिसन टू हर कि क्या सीखा, क्या किया. दोज आर सो मच अमेजिंग, यू नो, सीइंग दीज किड्स, यू नो, ग्रोइंग. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं उसको देखती रहती हूँ, तो मेरे को अंदर से बड़ा जॉयफुलनेस मिलता है कि यू नो इफ एवरी पेरेंट, एवरी टीचर कुड फाइंड दैट जॉय इन यू नो सीइंग चिल्ड्रन दिस वे, द वर्ल्ड विल चेंज एक्चुअली. बिकॉज हाँ, और फिर मम्मियों आपको की खुशी तो वैसे ही 10x हो जानी है. उनका गुस्सा करना, डांटना, चाय चाय पैं पैं करना बंद हो जाएगा. उनका स्ट्रेस सो आई देना, ऑल्सो उनका टेल माई हस्बैंड बीपी. मेनी टाइम्स, आई टेल माई हस्बैंड, यू नो कि सी दीज चिल्ड्रन ग्रो अप सो फास्ट, यू नो आज अगर फैला रहे सामान, कुछ चीजें शैतानी करे, दे वोंट बी डूइंग इट आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, यू नो डाउन द लाइन पीपल मिस ऑल. तो इसको ग्रास्प कर लो, यू नो जितना आप ले सकते हो, बिकॉज देन यू विल हैव दोस अमेजिंग मोमेंट्स, यू नो दैट यू विल बी रिमेम्बरिंग कि ये ऐसा करते थे, तुमने ये किया था. यू विल हैव दोस मोमेंट्स टू रिमेम्बर. और ये इंटरव्यू जो भी देखने वाला है, उस मम्मी की चिंता चली जानी है ये डायलॉग के बाद. एंड शी इज गोइंग टू रन टू यू, मैम हमें आपसे Cherishing सीखना these है. moments. Because ये समय नहीं आएगा, कभी नहीं आता, ये बड़े हो जाते हैं. योर बिगेस्ट अचीवमेंट? सो आई वुड से यू नो बिगेस्ट अचीवमेंट मे बी इट इज येट टू कम, बट यू नो आई फील आई हैव लिव माई लाइफ वेरी हैप्पीली, एंड आई एम ब्लेस्ड, यू नो दैट वट एवर आई गॉट, यू नो आई गॉट इन फुलनेस, सब कुछ मुझे अच्छा मिला लाइफ में. इट्स नॉट लाइक आई वुड से कि बहुत स्ट्रगल्स थे. हम मुझे ना एंजल्स बहुत मिलते हैं, यू नो पीपल कम फ्रॉम नो वेयर एक्चुअली टू हेल्प मी आउट, एंड आई गेट माई वे. तो दिस इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव दोज एंजल्स, यू नो. आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट वेन यू हैव सपोर्ट सिस्टम, वेन यू हैव पीपल हु लव यू, हु केयर फॉर यू, एंड हु रियली वॉन्ट यू टू बी, यू नो, सक्सेसफुल इन लाइफ एंड डोंट गेट इन टू एनी ट्रबल. ऐसा बहुत कम होता है ना कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आके बोले अरे हम हैं, डोंट वरी, यू डू वट यू वॉन्ट टू डू. तो आई एम वन ऑफ अ बींग, यू नो आई हैव सच पीपल इन माई लाइफ, तो इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड से. Dr. Kiran Bedi also says this, that for a lady एक्चुअली to succeed, it's all about support system. It starts with mom and dad, and then it continues in the form of in-laws and husband and kids who are always there, and it's इवन यू नो nice. माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, यू नो आई हैव बीन रियली लकी एंड यू नो ब्लेस्ड दैट पीपल हैव ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी, पहले आप एंड कभी भगवान तो की कभी मूर्ति बने, तो सही आ आपकी जाते. सबकी सबने पूजा की, और यू अट्रैक्टेड. लो जी,
आरती हर होलीनेस लता सिंह। तो आई थिंक ये अचीवमेंट यानी यार किसी के लिए भी बहुत बड़ा होना चाहिए कि यू नो इफ यू हैव पीपल अराउंड यू यू आर ब्लेस्ड, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव होम टू लिव, यू हैव यू नो थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ टू हैव. तो वो कहते हैं ना किस चीज के लिए थैंकफुल, ये देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर, कम पड़ जाएगी लाइफ व्हेन यू नो यू से थैंक यू टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग फॉर और यू. आप हो ही ग्रेटिट्यूड का सागर, काइंडनेस का सागर, इसलिए आपने बनाया हुआ है लेट काइंडनेस रिपेल। और उसके बाद आपने कपड़े और आपका बैकग्राउंड एकदम मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी मेनी वेज। एंड नाउ कमिंग टू वन वर्ड आंसर्स, डॉटर इन वन वर्ड, हैप्पीनेस, पेरेंट्स इन वन वर्ड, माय प्राइड, लाइफ इन वन वर्ड, जॉय, EQ in one word, बीइंग यू नो योर बीइंग हु love यू in आर, one word, केयर, Lata in one word. हैप्पी. Yes, you are a very happy soul and you radiate fullness like Oprah Winfrey and your cup overflows and it has become an ocean. So I want to thank you from the bottom of my heart for being Thank you with so much. me in this hour. I learned a lot and I wish you all the best in all your future lovely endeavors that are spiritual, noble, selfless. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot for having me.